हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका व्लॉग में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज आपको वीडियो देखकर पता ही लग रहा होगा कि आज कौन सी रेसिपी मैंने बनाई है। तो आज मैंने अंडा कड़ी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और बहुत ही सिंपल रेसिपी, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अंडा कड़ी सभी को पसंद आती है और ये चावल रोटी आप जिससे भी खाना चाहो बहुत अच्छी बनती है। तो चलते हैं अंडा कड़ी की रेसिपी के साथ, तो बनाते हैं और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी किचन में। तो यहाँ पर मैंने ये 6 अंडे बॉयल होने को रखे थे, तो ये बॉयल हो चुके हैं। तो बस अब इसको मैं छील कर इसे फ्राई करूँगी हल्का सा और इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और एक ये छोटा ले लिया है। तो मतलब ये 3 प्याज मैंने लिए हैं और यहाँ पर 1 बड़ा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 8-10 कली लहसुन की ले ली है और यहाँ से 3-4 मिर्च, हरी मिर्च ले ली है मैंने। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे अंडे ये छील लिए हैं, सारे अंडे ये छील रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने एक फोक ले लिया है, तो इसके से हेल्प से हम इसमें छेद कर देंगे। अगर हम इसमें छेद नहीं करेंगे तो ये तेल बहुत इसमें छीट आती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देते हैं, 4-4, 5-5 इसमें कट लगा देते हैं इससे। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और यहाँ पर चढ़ा दी कढ़ाई। तो यहाँ पर ये कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाती है, इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा फिर हम ये सारे अंडे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो तेल एकदम गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक अंडा धीरे धीरे डालेंगे और केयरफुल होकर डालिए क्योंकि स्पीड बहुत तेज आती है ऊपर में। तो इसमें ये सारे अंडे हमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं अंडा कड़ी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज लहसुन वगैरह आपको दिखा दिया, तो उसके साथ हम ये खड़े मसाले भी ग्राइंड करेंगे। तो उसमें ये छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है ये, और ये 1 छोटी चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, और ये 2 लौंग और 6-7 दाने काली मिर्च के। तो हम इन सबको एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ अंडा देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो उसको हम गैस ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने देंगे और तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। पहले प्लेट में अलग निकाल लेते हैं और सेम कढ़ाई का यूज़ करेंगे अंडा कड़ी बनाने के लिए। अंडे को ज़्यादा देर आप मत वो करिए, फ्राई करिए, नहीं तो अंडे कड़े हो जाएंगे। तो बस सेम ऐसे ही आप फ्राई कर लो, इसे ज़्यादा मत फ्राई करो। तो यहाँ हमने फिर से गैस ऑन कर दी और इसमें जो ये बचा ऑयल था इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, तो अब हम इसी में ही अंडा कड़ी बनाएंगे। तो ये तेल गरम हो चुका है, यहाँ पर हम ये हमने एक प्याज और ये थोड़ी सी हरी मिर्च काट लिए, इसे तड़के में हम डाल देंगे पहले। जब तक ये प्याज हमारी अच्छी से वो फ्राई होती है तब तक हम ग्राइंड कर लेते हैं अपने मसाले। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज लाल हो चुकी है, तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला डाल देंगे, हल्दी और पिसी मिर्च। तो इसको पहले डालने के ये होते हैं फायदे क्योंकि इसमें टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छे आते हैं, तो आप पहले ही इसे डाल दो जो हमारी अंडा कड़ी का कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस अब इसी में हम
जो हमने ये ग्रेवी रेडी करी है प्याज की, उसे हम डाल देंगे और उसको हम चला देंगे। इसे साथ मिक्स करिए तो हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। और यहीं पर ही मसाले में हम आधा छोटे चम्मच ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे। गरम मसाला हम बाद में ही डालेंगे तो इसको हम डालकर इसे चला लेंगे अच्छे से। इसे हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ देखिए ये तेल ऊपर ऊपर आने लगे, इसका मतलब हमारा मसाला अब धीरे धीरे रेडी हो रहा है। अच्छे से इसे भूनिए क्योंकि जितना अच्छा आप मसाला भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी मसाले में मैं ये आलू डाल दूंगी। आलू मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप स्किप कर सकते हो आलू। आलू मैंने अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, मुझे आलू बहुत अच्छा लगता है अंडा कढ़ी में। तो इसके बाद हम इसे ढककर फिर से पकाएंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि ग्रेवी में टमाटर तो चाहिए ही है। तो फिर इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सब्जी हो गई है, तो इसमें मैं अभी टमाटर तो ये ग्रेवी बनाई थी उसको डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहीं पर मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ। पर यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है और इसको अब मैं अच्छे से इसको भूनती हूँ मसाला और ढककर इसे 2 मिनट हम फिर पकाएंगे। तो यहाँ हमारी अच्छे से ये जो हमारा मसाला है इसे फिर रेडी हो चुका है। और बस अब हम यहाँ पर इसमें पानी डाल देंगे। आपको जैसी भी ग्रेवी खाने को पसंद हो, आप ऐसे थिक ग्रेवी खाते हो तो थिक ग्रेवी, या तो अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी और ऐड करो। हमें ये चावल के साथ खानी है तो हम इसमें और पानी मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने पानी ऐड कर दिया है और अब इसमें एक बॉयल आने तक इसको हम ढककर कुक करेंगे। हमने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है तो इसे एक बॉयल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर हम फिर से पकाएंगे। तो यहाँ बॉयल आना शुरू हो चुका है ग्रेवी में, तो मैं यहाँ पर ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमें गरम मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने खड़ा मसाला भी डाला है, इसलिए ज़्यादा मसाला यूज़ ना करते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और इसमें अच्छे से बॉयल आने पर इसमें फिर हम अंडे को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया, मैं इसमें अंडा डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे अंडे को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए अब इसमें ग्रेवी में पकने देंगे। तो यहाँ देखिए इसे बॉयल आने लगा है और यहाँ पर अभी सभी बिल्कुल रेडी है। और इसके अभी आपको और पतला करना है तो आप कर सकते हो, पतला इसका ग्रेवी आपको चाहिए तो। तो मैं थोड़ी देर इसको और 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, इसके बाद इसको मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी, 2 मिनट के लिए और ढक के पका देती हूँ। तो चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये देखिए ग्रेवी भी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप भी ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अंडा कढ़ी चावल रोटी वगैरह सभी के साथ आप खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये अंडा कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे बनाइए। और देखिए कलर कितना अच्छा है सब्ज़ी का, ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी और ठीक बनी हुई है चावल से खाने लायक, ऐसी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो ऐसे आप एक बार ट्राई करिए रेसिपी अंडा कढ़ी की। और
आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आज की रेसिपी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।